चलिए, इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन और बेसिक बातें बताई थी। इस वीडियो में हम आपको इसका कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को उसके बिहेवियर पर क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस पर जो है कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो नाउ कम फर्स्ट डिस्कस ऑन ओलिगो मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? दीज आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन स्मॉल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। एक बात और ध्यान दीजिए, हम कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यहाँ मीठे होते हैं। और भी जानिए कि जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड की हम हाइड्रोलिसिस की बेसिस पर कर रहे हैं, तो ऐसे मोनोसेक्राइड जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करने पर जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, दिज आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन स्मॉल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलिसिस स्मॉल मॉलिक्यूल में नहीं कर सकते, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। और चलिए सेकेंड, ओलिगोसेक्राइड द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 माने 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। कि ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड के मिले। कहने का मतलब कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको 2 से 10 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के मिलते हैं, उन्हें हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड कंटेन 2, 3, 4, 5 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड आर कॉल्ड डाई ट्राई टेट्रा पेंटासेक्राइड। यदि ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर हमको 2 यूनिट मोनोसेक्राइड मिलता है, तब हम उसे डाईसेक्राइड कहेंगे। यदि 3 यूनिट मिलता है, तब हम उसे ट्राई सेक्राइड कहेंगे। यदि हाइड्रोलिसिस कराने पर 4 यूनिट मोनोसेक्राइड मिलता है, तो उसे हम टेट्रा, 5 पेंटा सेक्राइड एंड सो ऑन। चलिए नाउ कुछ हम आपको बताते हैं क्या होता है मोनोसेक्राइड। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए डाईसेक्राइड द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड सेक्राइड। सेम आर डिफरेंट माने डाईसेक्राइड वे होते हैं जो जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 यूनिट क्या मोनोसेक्राइड मिले। मोनोसेक्राइड से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यह सब होते हैं मोनोसेक्राइड। डाईसेक्राइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको 2 यूनिट मोनोसेक्राइड मिलता है। अब वह दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। जैसे आप सुक्रोज को जानते हैं कि सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसकी हम हाइड्रोलिसिस यानी H2O से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा दें, तब हमको 2 मोल क्या 2 मोल मोनोसेक्राइड मिलता है C6H12O6। यानी हमको एक ग्लूकोज मिलता है और दूसरा फ्रक्टोज। आप यहाँ पर यह मिस फ्रक्टोज और यहाँ पर लिख लीजिए ग्लूकोज। देखिए हमने डाई क्या सुक्रोज एक डाईसेक्राइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें तब हमको 2 यूनिट क्या मिला मोनोसेक्राइड, इसी को हम डाईसेक्राइड करते हैं। नाउ कम डिस्कस ऑन ट्राईसेक्राइड द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड आर कॉल्ड
ट्राइसेक्राइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 3 यूनिट मोनोसेक्राइड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, डाई ट्राइसेक्राइड। जैसे एग्जाम्पल में रेफिनोज, देखिए रेफिनोज को जो फार्मूला होता है क्या होता है, C18H32 और O16। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा दें क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस पर इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इस यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तब हमको क्या मिलता है, एक ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और दूसरा फ्रक्टोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है और तीसरा जो मिलता है गलेक्टोज, गलेक्टोज। और तीनों का फार्मूला एक ही होता है इसलिए हमने नहीं लिखा, इसका नाम लिख लिया। देखिए ट्राइसेक्राइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब तो हमको 3 यूनिट मोनोसेक्राइड मिलता है, 1 2 3। चलिए पॉलीसेक्राइड माने ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मेनी यानी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड प्राप्त हों उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें लार्ज नंबर ऑफ क्या मिले, मोनोसेक्राइड, उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, यदि हम इनकी हाइड्रोलिसिस करवा दें तब हमको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए स्टार्च, देखिए स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10, C6H10O5। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा दें एसिड की प्रेजेंस में तब हमको क्या मिलता है, यन नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलता है। देखिए यन C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है। यन नंबर का मतलब कि मेनी नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, यह आपका स्टार्च है, यह आपका पॉलीहाइड्रोक्सी का एग्जांपल रहा। जब हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं माने लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, इसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। चलिए अब हो गए आपके मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हो गए। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर पर पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर पर दो प्रकार के होते हैं, एक रिड्यूसिंग और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। तो जानिए रिड्यूसिंग क्या होता है, दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट और दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। माने वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिन रिएजेंट को रिड्यूस्ड कर दें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर दें उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। वाइल जबकि विच डू नॉट रिड्यूसेज दिज रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन शुगर। और वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंट रिएजेंट दिज रिएजेंट टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या रिड्यूस नहीं करते उसे हम नॉन शुगर कहते हैं। समझ गए होंगे आप। और चलिए ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, अब तीसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस माने जो मीठा स्वाद होता है जिनका, उसके बेसिस पर पढ़ेंगे। तो उसके बेसिस पर दो प्रकार के होता है, एक शुगर और दूसरा नॉन शुगर। जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड आर क्रिस्टलाइन, ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, आप यहाँ पर पूरा नाम लिख लीजिए, ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड
और जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड होते हैं वह क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और सॉल्युबल इन वाटर वह जल में विलेय होते हैं, और स्वीट इन टेस्ट और टेस्ट स्वाद में मीठे होते हैं। आर कॉल्ड शुगर, जितने भी मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड होते हैं वह क्रिस्टलाइन सॉलिड और सॉल्युबल इन वाटर और स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए हम उन्हें शुगर कहते हैं। और जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, आल पॉलीसेकेराइड आर एमार्फस सॉलिड इन सॉल्युबल इन वाटर टेस्टलेस आर कॉल्ड नॉन शुगर। और जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, यह सब क्या हैं? पॉलीसेकेराइड हैं, और यह एमार्फस सॉलिड होते हैं। यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, यहाँ पर एमार्फस सॉलिड, और यह जल में अविलेय होते हैं और टेस्ट में स्वादहीन होते हैं, इसलिए हम इसको नॉन शुगर कहते हैं। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो समझ में आया तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए।